अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुद खुद टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल बंडी संजय कुमार तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट ने बहुत ही जहरीला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ओल्ड सिटी हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इसी के ताल्लुक से उज़मा शाकिर मैडम ने आज बीजेपी भवन के बाहर धरना दिया। ये वो खातून है जिसने आज बीजेपी भवन पर उनके जहरीले बोल के खिलाफ धरना, बैठ कर धरना दिया, तो इनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया। तो मजीद तफसीलात इनसे जानने के लिए आज मैं इनके पास आया हूँ। तो मैडम, आपके साथ क्या हुआ, आज क्या हुआ? देखिए, इससे पहले कि बंडई संजय जो है ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, मैंने उनके ऑफिस के बाहर जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, यानी कि धरना दिया। धरना दी मैं, क्योंकि उनकी जो हेटरी स्पीच थी, इन लोगों की आदत है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या बीजेपी का कोई भी लीडर या कारकुन हो, इन लोगों की आदत है इलेक्शन टाइम पे हेटरी स्पीच देना, अवाम के साथ जो है खिलवाड़ करना, उनके जहन के साथ अवाम को बेवकूफ बनाना है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये लोग करते हैं, वोट्स को बांटने की कोशिश ये लोग करते हैं, क्योंकि टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम ये तीनों एक ही हैं। मेरा ये कहना है बंडी संजय से कि अगर आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी है ओल्ड सिटी पे, आपको मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। और आप ये भी बोले कि मेयर का इंतजार करो, मेयर का इंतजार क्यों करना? होम मिनिस्टर आपका है, सेंटर में गवर्नमेंट आपकी है, आप कीजिए। लेकिन अब अगर करेंगे, मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। और आप वाकई में अगर कह रहे हैं हकीकत में कि एमआईएम वाले आपके दुश्मन हैं, तो आप मेरे को वो दुश्मनी बता के बताइए। आप असदुद्दीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कीजिए, ईडी को उसके पीछे लगाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके पीछे लगाइए, तब मैं मानूंगी कि वो आपके दुश्मन है। अदरवाइज आप लोग दोनों एक ही हैं, आपको इलेक्शन मोमेंट पे ही ड्रामा सोचते हैं हेटर स्पीच बोलने के। असदुद्दीन ओवैसी हिंदू के खिलाफ बोलते, बीजेपी वाले मुस्लिम्स के खिलाफ बोलते। इसी तरह जो है, आप कहना चाह रही हैं कि पुराने शहर में भी डिवाइड एंड रूल इलेक्शन के चलते पॉलिटिक्स हो रही है? हर टाइम होती है ये इलेक्शन के टाइम पे, चाहे एमपी इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, जीएचएमसी इलेक्शन हो, हर टाइम इन लोगों का यही काम है। तो आप पर कुछ जुल्म हुआ क्या आज? जैसा आप एहतजाज करें ना, कुछ क्या बुराई, कुछ आप पर कुछ कार्रवाई हुई? पुलिस वाले जो है मेरे को अरेस्ट करे, बुरी तरह के खींचे घसीटे, उसके बाद एबिस पुलिस स्टेशन लेके गए और पर्सनल बाउंड पे साइन करके मेरे को छोड़े। दैट मीन्स की FIR बुक करे हूँ। कुछ कंडीशन दिए क्या आपको? नहीं, कुछ कंडीशन नहीं, वो जो उस पर ब्लैंक लिखा हुआ था, तो मैं बोली इससे पहले भी मेरे से ब्लैंक पेपर्स पे साइन लिए गए हैं बालापुर पुलिस स्टेशन से, उसके बाद पता चला कि मेरे ऊपर FIR बुक हुई थी। तो आप लोग भी कर रहे हैं क्या FIR? बोले नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो सेक्शन 51 लगाते हैं आपके ऊपर और आपको मैसेज आ जाती, बस इतना ही बोले। जी, तो ये थे उज़मा शाकिर मैडम, स्टेट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के ये अहदेदार हैं, और आज बीजेपी भवन के बाहर इन्होंने एहतजाज किया। मैं एहतशाम खान, हुद हुद टाइम से, शुक्रिया।